कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली का बेसिक समझेंगे। आपको ये क्लास ध्यान से समझनी है क्योंकि यदि आप किसी भी प्रश्नावली का बेसिक अच्छी तरह से समझ लेते हो तो उस प्रश्नावली के सवालों को आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो बच्चों आज हम इसमें समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है और दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कौन कौन सी विधियों के द्वारा हल किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रश्नावली आपके वो 6 अंक की है, इसमें से 6 अंक का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही सवाल आपके 6 नंबर का आने वाला है। तो आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, अच्छे से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पिछली जो प्रश्नावली थी बहुपद, उसमें मैंने आपको चर और अचर के बारे में अच्छी तरह से समझाया था कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो देखो चर, अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, चर के अंतर्गत आएंगे। मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी सारे के सारे अक्षर आपके चर होते हैं। और अचर, गणित वाले जितने भी नंबर हैं, गणित वाले सारे के सारे अंक, जितने भी अंक हैं वो क्या होते हैं, आपके अचर होते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी वाले अक्षर चर होंगे और गणित वाले नंबर क्या होंगे, अचर होंगे, ठीक है। अब देखो दो चर आपको इस प्रश्नावली में दो चर काम में लेने, दो चरों का हम प्रयोग करेंगे। अब दो चर क्या क्या लेंगे, एक तो लेंगे हम x और एक लेंगे हम y। ये दो चर हम लेंगे, एक चर तो लेंगे x और एक चर क्या लेंगे, y लेंगे। तो इन दो चरों का हम प्रयोग करेंगे x और y का, ठीक है। तो दो चर काम आएंगे। रैखिक, रैखिक का मतलब होता है चर की घात एक, चर की घात कितनी हो, एक हो, मतलब रेखा बनेगी, एक सीधी लाइन बनेगी आपके, रैखिक मतलब एक सीधी रेखा बनेगी, मतलब चर की घात कितनी होगी, एक होगी, चर की घात कितनी होगी, एक। जैसे बहुपद में हमने पढ़ा था यदि किसी बहुपद में चर की घात एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, अगर चर की घात दो हो तो द्विघात बहुपद, चर की घात तीन थी तो त्रिघात बहुपद। तो ये जो चर लेंगे हम इनमें चर की घात आपकी एक आएगी, चर की पावर कितनी आएगी, एक, तो हो गया रैखिक। अब देखो समीकरण, समीकरण का मतलब होता है बीच में बराबर का चिन्ह। कैसे, जैसे हमने बहुपद में पढ़ा था 2x+3, ये तो था बहुपद, अगर मैं बराबर में 2x+3 बराबर में कोई से भी नंबर लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, बीच में बराबर का चिन्ह आ जाता है, इधर बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष, ये दोनों पक्ष बराबर हैं, उसका मतलब होता है आपके समीकरण, ठीक है। बीच में समता, बराबर का चिन्ह, समता का चिन्ह आ जाए तो वो क्या हो जाता है, आपके समीकरण हो जाता है। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब आपके जो भी समीकरण होंगे वो दो होंगे, कितने समीकरण आएंगे, दो समीकरण आपके आएंगे, तो ये हो जाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो कैसे होंगे, जैसे एक तो 2x+3y+4 = 0, ये जो मैंने लिखा ये है आपके दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है, दो चर वाला, देखो ये दो तो क्या है, इसमें चर है एक्स और वाई, दो चर है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो समीकरण है, और रैखिक मतलब इन चरों की घात एक है, इसलिए ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x+7y+6 = 0, ठीक है, ये मैंने लिखा, तो देखो यहाँ ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण और ये भी, ये दोनों अगर एक साथ आए तो इन्हें हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है ऐसे दो समीकरण आएंगे आपके पास और इन दो समीकरणों को आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब देखो आपकी एनसीईआरटी किताब के अनुसार दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है, ऐसा समीकरण जिसे ax+by+c = 0 के रूप में लिख सकते हैं, ax+by+c = 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हो और a और b का मान 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब x और y तो चर हैं और a, b और c की जगह पर कोई भी गणित वाले नंबर आएंगे, मतलब वास्तविक संख्या आएंगी, जैसे a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4। यहाँ a का मान देखो, इसके गुणा में कोई नहीं होता है तो एक मानते हैं, तो ए का मान 1, बी का मान 7 और सी का मान 6 है। तो बच्चों ऐसा समीकरण जिसे ax+by+c = 0 के रूप में लिख सकते हैं,
जहाँ पर ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो और ए और बी का मान जीरो के बराबर नहीं हो, मतलब जीरो नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। और ऐसे अगर दो समीकरण आ जाए, ऐसे कितने समीकरण आ जाए, दो समीकरण आ जाए, तो उन्हें हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो दोनों में एबीसी समान है, यहाँ भी एबीसी और यहाँ भी एबीसी, तो इनको पहचानने के लिए इसको ए वन लिखेंगे, इसको बी वन लिखेंगे, इसको सी वन, इसको ए टू, इसको बी टू और इसको क्या लिखेंगे, सी टू। तो ये जो दोनों समीकरण हैं इन्हें आप कहोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। अब अगर इनको देखकर इनके मान निकाले तो ए वन दो हैं, बी वन तीन है, सी वन चार है, ए टू एक है, बी टू दो सात है और सी टू छः है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब बच्चों दो चर वाला रैखिक जो समीकरण है उसको हम दो तरह से हल कर सकते हैं। कितनी तरह से, दो तरह से। एक तो ग्राफीय विधि से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके, दो विधियों से इनको हल किया जा सकता है। सबसे जो पहली विधि है वो है आपके ग्राफीय विधि, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है, इसी का नाम है आपके आलेखीय विधि, आलेखीय विधि। इस विधि से आप इसको हल कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपके छः नंबर का ग्राफ आपके आ सकता है 100%। और ग्राफ में आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक तो ग्राफ विधि, और दूसरी जो विधि है उसका नाम है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। दो विधियों के द्वारा आप इसे हल कर सकते हो, पहले तो ग्राफीय विधि और दूसरी है बीजगणितीय विधि। अब बच्चों ये बीजगणितीय विधि में तीन तरह की विधियां हैं, बीजगणितीय विधि में तीन तरह की। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दूसरी जो विधि है उसका नाम है विलोपन विधि, कौन सी विधि, विलोपन विधि। और जो तीसरी विधि है उसका नाम है वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो बीजगणितीय विधियों में तीन विधियों के द्वारा हम दो चर वाला रैखिक समीकरण हल करेंगे। पहली विधि प्रतिस्थापन, दूसरी विधि विलोपन और तीसरी विधि है वज्रगुणन विधि। मतलब यू समझ सकते हो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की टोटल चार विधियां हैं, ग्राफीय विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। इन चार विधियों के द्वारा दो चर वाला रैखिक समीकरण हल होता है। अब बच्चों इन तीन विधियों को तो जब ये प्रश्नावली में आएगी तभी मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। हम आज बात करेंगे ग्राफीय विधि की, जो सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ से बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो जो ग्राफीय विधि है उसमें अगर आप हल करते हो तो तीन तरह के आपके उत्तर आ सकते हैं, ठीक है, तीन तरह से तीन स्थितियाँ आपके बन सकती हैं। तो देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण में यहाँ लिखता हूँ, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, और दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। तो अगर आप इसको हल करते हो तो तीन स्थितियां आपके सामने बन सकती है। कैसे, देखो अगर आप तुलना करो इसमें, किसमें, ए वन बटा ए टू, बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू, अगर इनमें हम तुलना करके देखें तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आती है। तो देखो पहले कैसे, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। मान लो ये दोनों बराबर नहीं है, कैसे, देखो मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, यहाँ लिखता हूँ 5x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, ये दो समीकरण मैंने लिखे। अब यहाँ तुलना करो, a1 का मान तो 2 बटा a2 का मान 5 बराबर b1 का मान 3 बटा b2 का मान 4, ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है ना दोनों बराबर, ये बराबर नहीं का चिन्ह है। अगर बच्चों ये दोनों बराबर नहीं है आए तो आपको c1 और c2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो c1 और c2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। और मान लो ये दोनों बराबर आ जाए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये दोनों बराबर आ जाए, जैसे यहाँ 2 बटा 5 आया और यहाँ भी कितना आ जाता, 2 बटा 5, ये दोनों बराबर आ जाते, तो फिर आपको C1 और C2 ज्ञात करना पड़ता, C1 और C2 ज्ञात करना पड़ता।
तो C1 और C2 भी कितना, अगर 2/5 आया तो तीनों बराबर आ जाते, और जरूरी नहीं है कि C1 और C2 बराबर आए, तो C1 और C2 ये भी आ सकता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, मतलब ये वाला नंबर आपके बराबर नहीं भी आ सकता, जैसे 4/3 आ जाए तो ये बराबर नहीं है। तो देखो, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो आपको C1 और C2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं, तो फिर आपको C1 और C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। C1 और C2 बराबर आ भी सकता है और बराबर नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो देखो, अब आप क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये दोनों बराबर नहीं है तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो बच्चों ग्राफ बनाते समय आपको ग्राफ पेपर में एक रेखा तो ऐसे बनाओगे ऊर्ध्वाधर, और एक रेखा ऐसे बनाओगे क्षैतिज, जो क्षैतिज रेखा है वो एक्स अक्ष होता है, मतलब एक्स का मान इधर प्लस में और एक्स का मान इधर माइनस में, इधर वाई एक्स होता है तो वाई का मान इधर प्लस में और वाई का मान इधर माइनस में, और यहाँ सबका जीरो होता है, ठीक है। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो ग्राफ में आपके दो रेखा बनेगी सीधी, ठीक है ना। तो दो रेखा बनेगी, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो दो रेखाएं कैसे बनेगी, एक लाइन तो ऐसे बनेगी और दूसरी लाइन ऐसे बनेगी, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, कब, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब ये एक लाइन पर प्रतिच्छेद करेगी। अगर एक लाइन पर प्रतिच्छेद किया तो आपके नंबर एक जो रेखाएं होगी वो होगी प्रतिच्छेदित रेखाएं, कौन सी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी, ठीक है। कब होगी, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1, अगर ये दोनों समीकरण आए और इनको हल करके ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखो, इन दोनों रेखाओं ने कितनी बार काटा, इन दोनों को एक बार, एक ही जगह पे काट रही है, अगर एक ही जगह पे काट रही है तो इसका एक ही उत्तर आएगा, इस समीकरण के कितने उत्तर आएंगे, एक उत्तर आएंगे, और उस एक उत्तर को कहोगे अद्वितीय हल, क्या कहोगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, एक ही, मतलब इसका एक ही उत्तर आएगा। और तीसरी कंडीशन, अगर उत्तर आया तो उसे आप कहोगे संगत हल, क्या कहोगे, संगत हल कहोगे। अगर कंडीशन ये आती है तो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदित, हल होगा अद्वितीय, मतलब एक ही उत्तर आएगा, और हल कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ये आए कि तीनों बराबर आ जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर आ जाए, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो वाई एक्स, ये एक्स एक्स, एक्स इधर प्लस का, एक्स इधर माइनस का, वाई इधर प्लस का और वाई इधर माइनस का, ठीक है, और यहाँ आता है जीरो। अगर तीनों बराबर आ जाए तो रेखाएं दो बनेगी, और कैसे बनेगी, देखो एक लाइन ऐसे बनी, और बच्चों दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर बनेगी, एक लाइन बनी ना तो दूसरी भी इसी के ऊपर बनेगी, देखो यहाँ तो दोनों बराबर नहीं थे तो एक ऐसे बनी और एक ऐसे बनी, अब यहाँ देखो एक लाइन ये बनी और दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर बनेगी, दोनों रेखाएं एक ही रेखा के ऊपर, पहले लाइन बन गई दूसरी भी इसी के ऊपर बनेगी, तो अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं संपाती रेखाएं, क्या कहते हैं, संपाती। देखो एक लाइन बनी और दूसरी भी उसी के ऊपर बन गई, बिल्कुल इसी के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे संपाती रेखाएं। अब दूसरे नंबर पे देखो, यहाँ पर दोनों रेखाएं एक बार मिल रही है तो उत्तर कितना आया, एक, अब यहाँ तो एक रेखा दूसरी इसी के ऊपर, तो हर जगह मिल रही है, बार बार मिल रही है, हर जगह मिल रही है, हर जगह मिल रही है, तो इसके उत्तर आएंगे अनेक उत्तर, अनेक हल होंगे, कितने उत्तर आएंगे, इसके उत्तर आएंगे अनेक हल, अनेक उत्तर आएंगे, बहुत सारे उत्तर आएंगे। देखो रेखा अगर एक बार मिलती है तो एक उत्तर आया, यहाँ बार बार मिल रही है तो क्या आएंगे, अनेक उत्तर आएंगे, और अगर उत्तर आया तो इसे हम कहेंगे संगत हल, क्या कहेंगे, संगत हल कहेंगे। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएँ कैसी होगी, प्रतिच्छेदित, हल कैसा होगा, अद्वितीय, हल कैसा होगा, संगत, अगर तीनों बराबर आए तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती, हल कैसे होंगे, अनेक, हल कैसा होगा, संगत। अगर बच्चों, अगर देखो दो तो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, एक लाइन ये बनेगी, ठीक है, तो ये एक्स प्लस का, एक्स माइनस का, इधर वाई प्लस का, इधर वाई माइनस का, और यहाँ होता है जीरो, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है ना, ये ग्राफ वाला फॉर्मेट है आपके। अब देखो अगर दोनों ऐसे बनी, अगर ये कंडीशन आए तो देखो एक रेखा ऐसे बनेगी और दूसरी रेखा ऐसे बनेगी,
मतलब ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। देखो ये तो एक बार मिल रही है, ये बार बार मिल रही है, और ये बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। ऐसी रेखाओं को कहते हैं हम समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब आप इनको आगे बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते दिल्ली बम्बई कोलकाता कहीं पर भी ले जाओ, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं मतलब इनके बीच का गैप हर जगह से बराबर होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर एक बार मिली तो एक उत्तर, बार बार मिली तो अनेक उत्तर, और मिलेगी नहीं तो कोई उत्तर आएगा ही नहीं, मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई हल नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे असंगत हल। क्या कहेंगे? असंगत हल कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हो तो उसके उत्तर तीन तरह से हो सकते हैं, एक उत्तर आ सकता है, अनेक उत्तर आ सकते हैं, या फिर कोई उत्तर नहीं आ सकता। रेखाएं आपके प्रतिच्छेदित हो सकती है, संपाती हो सकती है, समांतर हो सकती है, हल आपके संगत हो सकता है, संगत हो सकता है, और असंगत हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आया होगा। तो ये तीन कंडीशन आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, इनका प्रयोग आपके प्रश्नावली में बहुत सारे सवालों में किया गया है, तो वहाँ पर अगर आपको ये तीनों कंडीशन याद है तो आप सवाल को दो मिनट में आसानी से चुटकी बजाते हल कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, दो चर वाला रैखिक समीकरण कितनी तरह से हल होता है? दो तरह से, एक तो ग्राफीय विधि से और एक बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि में तीन विधियां हैं। पहली जो विधि है उसका नाम है आपके प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि, और तीसरी विधि का नाम है वज्रगुणन विधि। तो इन तीनों विधियों के बारे में जब प्रश्नावली में सवाल आएंगे तब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। और अगर आपने ये पूरी क्लास ध्यान से पढ़ी तो इस बात की गारंटी है आपके परीक्षा में 6 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, परिभाषा, सारी डिटेल मैंने आपको इस क्लास में बता दी है। थैंक यू क्लास देखने के लिए। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।